हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू डिजाइन का पर्स। इसे बनाने के लिए धागा, लाइटर, इंची टेप, सीजर, अस्तर चाहिए, चैन और रनर। धागा हमने 3 लिया, हमें 4 लच्छे चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये धागे हमने काटे हैं 2.5 मीटर का एक और 60 धागे। ये देखिए, इस धागे हम डबल फोल्ड कर लिए ऐसे करके। ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ये ऐसे 2 धागे बीच में, एक किनारे इसमें, ये ऐसे, ये वाला ये यहाँ से डालें। ये हमारी स्क्वायर नाट बनेगी, सेम इधर से, ये यहाँ से। ये देखिए, इसी तरह हम सभी धागों में गांठ लगा लेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए, ये 2 इस गांठ के, 2 इसके लेके, फिर इसमें हम फिर से स्क्वायर नाट लगाएंगे, तो इसी तरह हमारे सभी धागे जुड़ जाएंगे। ये देखिए जोड़ लिए, फिर 2 इसके, 2 इसके जोड़ के, ये देखिए पूरा हमारा राउंड बन गया। फिर इसके बाद हम एक राउंड और गांठ लगा लेंगे। ये देखिए जैसे हो गया, इस गांठ की 2, 2 इसके लेके, इसी तरह हमारा ये तीसरा राउंड हो जाएगा। तो हम गांठ लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे ये हमारा है, तो यहाँ हम एक गांठ लगाएंगे, 2 इसके, 2 इसके लेके। ये हमारा वैसे तो चौथा राउंड कहलाएगा, लेकिन हम इसमें इतना ही बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे गांठ लग गई। अब ये धागे हमारे 2 इसके हैं, 2 इसी गांठ के जो अभी हमने लगाए थे, 2 ए वाले धागे। ये देखिए ए वाले, इन धागों से हमें, ये 4 धागों में हमें पाइपिंग करना है। इसके लिए देखिए, पहला धागा लेंगे ये ऐसे, फिर सेम एक और, फिर अगला धागा लेंगे उसे छोड़ के, फिर करेंगे। ये देखिए, जैसे एक हमारा हो गया, सेम ये वाला धागा लेके एक राउंड और करेंगे। ये देखिए जैसे हो गया, इसको छोड़ देंगे और ये धागा भी छोड़ देंगे। ये धागा हमें नहीं लेना, ये धागे में हमें गांठ नहीं लगाना, 4 धागे। अब ये 4 धागे लेंगे, इसमें गांठ लगाना है। ये देखिए, ये लगा लिए। अब ये देखिए, ये 2 धागे हमें नहीं बनाना, ये वाले 2 जो हमने 4 छोड़े थे उसमें से 2 इस साइड वाले, उनसे लेंगे और जो गांठ लगाए उसके आधे और ये 2। तो ये 4 धागों से अब हम पाइपिंग करेंगे। ये देखिए, एक राउंड हो गई, अब एक और लेंगे, फिर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने 2 बनाए, सेम इसी तरह हम सभी में बना लेंगे। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा एक राउंड हो गया। अब देखिए, जैसे ये धागे हैं चार, इस चार इसके दो धागे लेंगे, ये देखिए इन चार से करेंगे, तो इसका पहला इस साइड का लेंगे, ये देखिए इधर का धागा, ये हमारा पहला, फिर इसके अगला, फिर ये जो पाइपिंग वाले हैं इनसे, ये देखिए फिर एक और है, इससे भी कर लेंगे इसमें, ये देखिए जैसे एक हो गया, ये हमारा दूसरा राउंड है। अब इधर देखिए, फिर से ये वाला धागा लेंगे, इन धागों से करेंगे, इसी तरह फ्रेंड हमारा ये दूसरा राउंड भी बना लेंगे। ये देखिए फिर अंगला लेंगे, ये देखिए फ्रेंड जैसे हमारा दूसरा राउंड हो गया। अब हमें तीसरे के लिए फिर से इधर से दो धागे लेना है, पहले एक धागा लेंगे, इन चार धागों से करेंगे, ये हमारा तीसरा राउंड कहलाएगा। हमें हर बार इसी तरह करना है, एक बार इधर से दो धागे में पाइपिंग करना है, ये देखिए जैसे हमारे चार धागे में पाइपिंग कर लिए, फिर इधर का हम एक और लेंगे, क्योंकि हमें दो राउंड करनी है, ये देखिए ये हो गई, ये देखिए यहाँ से दो होगी और ये वाली थी ऐसे। अब इसे छोड़ के फिर इधर लेंगे, तो इधर भी सेम इस साइड का धागा हमें लेना, इन धागों से पाइपिंग करना है। ये राउंड भी हमारा इसी तरह जाएगा, ये देखिए फ्रेंड जैसे तीसरा हो गया। अब हम चौथे में इधर से बनाएंगे, तो इधर का दो धागा लेंगे, इन चार धागों से करेंगे, हमें इसी तरह बनाना, पहले इस साइड के लेंगे फिर इस साइड के, इसी तरह हम बना लेंगे 8 इंच तक, हमारा ये सेम डिजाइन रिपीट होता जाएगा और बनता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड जैसे हमने इतना बना लिया, इसके बाद हम देखिए ये बीच के चार धागे, इसमें हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे वाले, ये देखिए, फिर इसी गांठ के दो दो हम इस साइड के ले लेंगे,
फिर इसमें भी एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, ये देखिए, फिर सेम इसी गांठ के और दो और ले लेंगे इधर से, ये देखिए ये हमारी दो हो गई एक फूल में। इसी तरह हम सारे में बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह बनाने के बाद अब हम इस गांठ के दो इसके लेके फिर गांठ लगाएंगे, ये देखिए ये हमारा तीसरा राउंड कहलाएगा। इसी तरह हमें पांच राउंड बनाना है। ये देखिए फ्रेंड ऐसे हमारा बन गया पांच राउंड। अब हमें बीच से यहाँ धागे, देखिए ये हम तीन गांठों में काम करेंगे। ये पहले बीच वाले में हम लगाते हैं, हमारा सेंटर है, एक हो गई, एक इधर से लेंगे, सेम हम एक इधर से धागे लेंगे जो हमारे थोड़े बहुत छोटे हो जाएंगे धागे, उनमें हम जोड़ लेंगे। ये देखिए जैसे तीन में लिए, अब हम दो इधर छोड़ देंगे फिर गांठ लगाएंगे। फिर दो ये लेंगे, फिर दो इधर छोड़ेंगे, तो ये हमारे दो गांठ आ गई। पहले हमने तीन लगाई, फिर दो आ गई, ये देखिए अब हमारी यहाँ एक गांठ आएगी। ये देखिए ये हमारा ऐसे तिरछा बन गया, इसको हम यहां से अलग कर लेंगे, इसे हम नहीं बनाएंगे। अब ऐसे हमें सेम इसी साइड बना लेंगे, इसके बाद इधर भी बनाएंगे जैसे इतने में, तो इधर भी हम यहाँ से छोड़ते हुए बना लेंगे। यहाँ जैसे यहाँ हमारे तीन राउंड छूटे हैं, सेम तीन राउंड इधर छोड़ के आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा बन गया, इसे अब हम उल्टा करेंगे। ये देखिए जो हमारे यहाँ थे इनसे हमें शुरू करना है, इसके लिए पहले एक कोने से करेंगे, दो इधर के गांठ के दो इधर के धागे लेंगे। ये देखिए इसमें एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, ये देखिए एक लग गई, ये ऊपर वाले धागे ऐसे कर दिए, फिर एक इधर का लेंगे इधर का, दोनों साइड का एक एक ले लिए, ये देखिए फिर से इसे ऊपर करेंगे फिर लेंगे, ये देखिए इसी तरह हम यहां तक ले लेंगे। ये देखिए जैसे हमने बनाया, सेम हम इस कोने में और सेम इधर भी बनाएंगे। ये हमारा इधर चारों तरफ हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड जैसे हमारे इधर पांच, चारों तरफ पांच पांच गांठें लग गई। अब हम सेंटर का धागा लेंगे दो,
इधर दो इधर के लेके, ये देखिए इसमें हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए फिर ऊपर के छोड़ दिए, फिर लेंगे इसी तरह हमें बनाना है। नीचे इस साइड से हम दो धागे लेते जाएंगे और जो बनाएंगे स्क्वायर नॉट उसको छोड़ते जाएंगे, लास्ट तक हम बना लेते हैं। ये अच्छे फिर लेंगे। ये देखिए जैसे यहां तक हो गया, ये यही हमने छोड़ दिया। अब इधर से कोई भी धागा एक लेंगे जो हमारा थोड़ा बड़ा है, इसको इन सभी धागों से हम इसमें पाइपिंग करेंगे ऐसे। ये देखिए इसी तरह हम ये पाइपिंग यहां से लेके यहां से यहीं तक आ जाएंगे, फिर ये धागे हम यहीं कट कर देंगे इतना और चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने काट के यहीं चिपका दिया, इसे अब हम सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा ये कंप्लीट है, इसके लिए अब हम यहाँ पे स्टेप लगा देते हैं। इसके लिए हमने धागे लिए हैं देखिए 8 धागे और इसमें एक गांठ लगा दी। ये देखिए अब हम इसे दो दो धागे करके 4 भाग में बांट लेंगे। ये देखिए ये धागा लेंगे इसके नीचे ऐसे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके नीचे इधर ले आए, अब ये वाला इसके ऊपर, ये वाले के नीचे, इसके ऊपर। ये देखिए इसी तरह हम बना लेंगे। जैसे एक हम बना रहे हैं सेम इसी तरह दूसरी भी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड जैसे हमारी इतनी हो गई, अब हम 4 धागे लेके इसमें स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसे हमें छोड़ना नहीं है अगले वाले धागे, नहीं तो हमारा खुल जाएगा। ये देखिए अब इसमें भी लगा देंगे। अब हम बीच में लगाएंगे। ये देखिए जैसे एक हो गए, ये देखिए जैसे हमारी ये है, इसको हम बराबर से रख लेंगे ऐसे। अब हम एक इसको यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ इस फूल में, दूसरे इस फूल में, ये ऐसे सभी धागे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड इसको हम ऐसे कोई नुकीली चीज से लेके ऐसे करके डाल सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड जैसे हमारे सभी धागे में हो गए, अब हम ये 4 धागे लेके इसमें गांठ लगाएंगे स्क्वायर नॉट। ये ध्यान रखेंगे कि जिससे हमारे बराबर रहें।
ये देखिए एक लग गई। अब हम इधर का एक धागा लेके इन धागों से हम पाइपिंग कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये धागे यहीं कट करके यहीं चिपका देंगे। इसके बाद ये देखिए इसको सेम इसी तरह ऐसे बराबर करके ये ऐसे हम इसमें लगा देंगे। ये जैसे एक लगाए सेम दूसरी साइड भी इधर लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने ये लगा के ऐसे चिपका लिए। ऐसे तो हमारा कंप्लीट है। इसके अंदर हमें अस्तर लगाना है। तो ये देखिए इसको हमने ऐसे बना लिया। यहाँ चैन लगा के इधर से सिलाई कर दिए। ये हमारा ऐसे रहेगी, इसे हम सीधा नहीं करेंगे। इसको ऐसे डाल देंगे। ये देखिए इसको हमारा ये सेंटर ऐसे करके ये यहाँ से इसको ये देखिए ऐसे ये सेंटर पे ऐसे रख लेंगे। इसको इतना नीचे रखेंगे जैसे हमारे यहाँ सिलाई आए। ये देखिए ये सुई में धागा ले लिए। इसको यहीं से हम सिलना शुरू कर देंगे। ये थोड़ा सा ये मशीन से नहीं सिलता, इसको हमें हाथ से ही सिलना पड़ता है। इसे ध्यान से सिलेंगे जिससे हाथ में सुई ना लगे। ये देखिए फ्रेंड हम इसी तरह से सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने इसमें लगा दिया। ये हमारा एक हम अंदर भी पॉकेट बनाए। ये देखिए फ्रेंड हमारा पर्स कंप्लीट है।